तुला राशि वालों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तुला राशि वालों, लोग खुल गया आपका किस्मत का दरवाज़ा, अब आप राजा की तरह जियोगे। जी हाँ तुला राशि वालों, अगले 24 घंटे में आपकी कामयाबी और आपकी तरक्की देखकर लोग भी कहेंगे, अरे वाह क्या नसीब है। जी हाँ दोस्तों, अगले 24 घंटे में आपकी कुंडली में मंगल ग्रह ऐसा धमाका करने जा रहा है जिससे कि तुला राशि वालों, आपका बंद किस्मत का ताला खुलने वाला है। हम आप सभी को बता दें कि अब आप सभी के जीवन काल में सुखों की जो है बत्ती जलने वाली है और दुखों की बत्ती गुम होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपकी जिंदगी में एक नई उजियाला लेकर आने वाला है। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें, आने वाले समय में अब आप सभी को बड़ी बड़ी उपलब्धि हासिल होने वाली हैं, बड़े बड़े परिवर्तन करते हुए नजर आने वाले हैं। और दोस्तों, इनमें से कुछ ऐसा परिवर्तन होगा जो कि तुला राशि वालों, आपकी पूरी जिंदगी को ही बदल देगी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के जानकारी के लिए बता दें कि यह राशिफल सामान्य ग्रह गोचर एवं आपके कुंडली पर आधारित है। आप सभी से निवेदन है, वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा। लेकिन उससे पहले भगवान सूर्य महाराज के जो भी सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करके नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय श्री सूर्य महाराज लिखेगा, उन्हें भगवान श्री सूर्य महाराज का सीधा आशीर्वाद प्राप्त होगा। तुला राशि वालों, आइए इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसा रहेगा आज आपका दिन, कौन कौन से महत्वपूर्ण एवं कौन कौन से लाभकारी परिवर्तन होने वाले हैं और आने वाला समय आपका इस दौरान कैसा रहने वाला है। तुला राशि वालों, दोस्तों आज आप सृजनात्मक ऊर्जा से भरपूर हैं, अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करें, इससे आपको खुशी और सौभाग्य दोनों मिलेंगे। दिल की ना सुने, अपने दिमाग की सुने, तर्क शक्ति से काम लें, अपनी ऊर्जा को सही जगह पर लगाएं, आपको जरूर लाभ होगा। दोस्तों, निवेश के लिए बहुत अच्छा दिन है, अगर आप निवेश करना चाहती हैं तो दिल खोलकर निवेश कर सकते हैं, इसमें आपको गारंटी के साथ लाभ होगा। इसके उपरांत आपको बताना चाहेंगे, अधिक सावधानी की बजाय अपने आप को थोड़ा सा ढील छोड़ दें, राहत आपको मिलेगी। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे आपको बताना चाहेंगे। आज का दिन आपके लिए खुशियां मनाने का समय है। जो लोग विवाहित हैं उन्हें कोई खुशी जो है व्यक्ति मिलेगी, जैसे बेहतरीन के साथ एक और वर्ष पूरा होने या परिवार में नई मेहमान के आने की खुशी। जिनका अभी विवाह नहीं हुआ है उनके रिश्तों को परिवार वालों की ओर से काफी समय से रिश्तों को विरोध करती आ रही थी, उनकी तरफ से भी हरी झंडी देखने को मिल सकती है। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, कुछ वित्त और कैरियर के विभिन्न अवसर आज आपके सामने आ सकती हैं और आप उन्हें लेने के लिए फलीभूत होंगे, लेकिन थोड़ा सा उलझन भी आपको महसूस हो सकता है। आपको बताना चाहेंगे कि किस दिशा में जाएं, सावधान रहें कि ये निर्णय आपको पंगु न बनाए, इस बात का जरा ध्यान रखिएगा। अगर आप सही दिशा में आगे बढ़ना चाहती हैं तो पूरी तरह से आपको वित्तीय भविष्य को बदल सकता है और त्वरित और निर्णायक कार्यवाही आज आपके दिन की आवश्यकता है। इसके उपरांत आज आप बहुत साहसिक अनुभव कर रहे हैं और अपना रास्ता खुद बनाने के लिए आप तैयार भी हैं। आपको बताना चाहेंगे, आप अपने इच्छा शक्ति से सभी मुश्किलों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। आज आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता, इसलिए अपने सभी मुश्किल कामों को आज करने की योजना बनाएं, सफलता आपके कदम चूमेगी। जो भी कार्य है पेंडिंग में पड़ा था उस कार्य को भी इस समय आप कर सकती हैं। और खास बात आपको समय ध्यान रखनी है कि इस समय का जो कार्य है उसे आप कभी भी भूलकर भी जो है उसे छोड़ने की कोशिश ना करें, या ये ना सोचें कि उसे बाद में करेंगे, नहीं तो वह हमेशा के लिए पेंडिंग में रह सकता है, इस बात का जरा ध्यान रखिएगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आज ऑफिस के काम के दबाव से आपकी नींद जो है प्रभावित हो सकती है। आज आप अच्छी तरह से सो नहीं पाएंगे, सोने जाने से पहले थोड़ा सा ध्यान लगाइए और खुद को शांत मनोदशा में रखिए। आप धीरे धीमे और मधुर गाने का भी मजा ले सकती हैं। कमरे में थोड़ा सा अंधेरा रखें और तनाव मुक्त भी रहें।
आपको बिताना चाहेंगे, अच्छी नींद ले पाएंगे। सोने से पहले आपको जो है एक गिलास गर्म दूध पीना है, इससे आपके अंदर जोश व ऊर्जा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आज आप अपने माता पिता के साथ समय बहुत अच्छा से बिता सकते हैं और आपको काफ़ी मानसिक शांति मिलेगा। अगर आप हाल फिलहाल में काफ़ी व्यस्त जीवन जी रहे हैं तो उन्हें फ़ोन करके या बिना बताए उनसे मिलने के लिए जा सकती हैं, ये बहुत अच्छा मौका है। इससे आपका जो है तनाव काफ़ी हद तक कम होगा और अपने भाई बहनों या माता पिता के साथ मिलने जाते हुए अपने पार्टनर को भी साथ ले लें, सबके साथ होने से आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। अगर अकेले हैं तो वे आपके जो है माता पिता आपको किसी खास से मिलवा सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी खुशी मिलेगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आप आगे बढ़ रहे हैं और लोग आपको नीचे गिराने की ओर कोशिश भी कर सकते हैं, इस बात का ज़रा ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोस्तों ये प्रकृति का नियम है, जो इंसान आगे बढ़ता है उनके चारों ओर उन्हें गिराने के लिए लग जाता है, इस बात का ज़रा ध्यान रखिएगा। मौखिक विवाद में अभी आप ना फंसे, प्रयास करें कि आपका कार्य बोले और आप ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां आपको जो है नीचे धकेलना मुश्किल होगा। बस अच्छे कर्म करते रहें और अपने सहयोगी और अधीनस्थों के साथ सौहार्द बना रहें एवं मधुर वाक्यों का भी प्रयोग करें, आपके लिए अभी बेटर रहेगा। इसके उपरांत आज के लिए जो समय होंगे, एक नए संबंध बनाने के लिए बहुत अच्छा समय है, आपको उसके लिए कोशिश करनी चाहिए और आज आप नए संबंध, नए दोस्त या फिर नए पार्टनरशिप की शुरुआत कर सकते हैं। दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। आज आप देखिए बहुत सारे सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे जहां आपको अपने संभावित दोस्त या पार्टनर मिल सकते हैं, लेकिन इस बात का ज़रा ध्यान रखें, नए दोस्त बनाने के बाद अपने पुराने जो है करीबी मित्रों की उपेक्षा ना करें, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों कुल मिलाकर समय आपके लिए बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, इनका लाभ उठाएं, इनका सदुपयोग करें, यही आपके लिए उचित रहेगा। दोस्तों जानकारियों से अगर आप सहमत हैं, जानकारियां आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में लिखकर हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों अभी के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए माता रानी आपको स्वस्थ रखे, निरोगी रखे, तो प्रेम से बोलिए जय माता दी।